असुस का नया लैपटॉप हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं सारा चीज़ हम लोगों ने निकाल के रख चुका हो यहाँ पे। ये रहा हमारा लैपटॉप, इसके साथ ये चार्जर और उसके साथ जो मैनुअल पेपर मिलता है जो इसके अंदर है, जो अभी कोई काम का चीज़ नहीं है। आपको दिखाते हैं लैपटॉप को कि कैसे कैसे सेटअप करना है। ये लैपटॉप आपका असुस का मॉडल मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये आपका X51 5J मॉडल है, जो अभी हाल ही में हम लोग 31 या 32 हज़ार रुपये का था, जिसको डिस्काउंटेड प्राइस में लिए हैं हम लोग, एक दो हज़ार रुपये डिस्काउंट पड़ा है। अब इसको खोल के दिखाते हैं आप लोग कि कैसे कैसे आपको फर्स्ट टाइम में सेटअप करना है। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट स्क्रीन है इसका, यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, बेसिकली हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्किप कर देना है। यहाँ पे आपको जो भी आपका वाईफाई हो उससे कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब इसको आप कनेक्ट कीजिएगा तो इसमें आपको अकाउंट वगैरह सेटअप करना पड़ता है, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आप लोग अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ मैं अपना वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैंने अपना वाईफाई में कनेक्ट कर लिया इसको, अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, आप चाहें तो इसको पूरा पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना पढ़ने का ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ये लैपटॉप का नाम रखना है कि आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं, तभी ये असुस है तो असुस ही रख देते हैं। अब यहाँ पर आप स्पेस नहीं दे सकते हैं, आपको यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ फिलहाल अंडरस्कोर दे देते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको अगर पहले से आपका माइक्रोसॉफ्ट का आईडी है तो यहाँ डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आपका यहाँ पे नहीं है पहले से आईडी तो आप यहाँ पे क्रिएट वन में दबा के और नया आईडी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, तो बेसिकली अभी मेरे पास मेरा ईमेल आईडी है तो उसको भी हम यहाँ पर डाल लेते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड आपको दिखाऊंगा नहीं, स्किप कर देता हूँ। पासवर्ड फिल कर लिया, अब यहाँ से साइन इन करना है। अब यहाँ पे आपको अपना अगर फिंगरप्रिंट सेटअप करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो यहाँ पे ये दिख रहा है ये फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसी के लिए यहाँ पे विंडोज़ हेलो विंडोज़ का जो ऑप्शन रहता है वो आपको यहाँ सेटअप करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी चलिए इसको सेटअप करते हैं। यहाँ पे एस सेटअप में क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर में टच करते रहना ऐसे ऐसे।
ऐसे आपको टच करना है और उसके बाद क्रिएट पिन में जाना है। अब यहाँ पे आप, ये मेरा पहले से लॉगिन था वो लैपटॉप दिखा रहा है। अब यहाँ नया, आप नया से सेटअप करना चाहते हैं तो नया इसी को, अगर रीस्टोर करना चाहते हैं तो इसी को कर सकते हैं। अभी मैं सेटअप एज ए न्यू में करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है, फिर से एक्सेप्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप जो डेस्कटॉप मोड चाहें उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ से डायरेक्टली आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन है, मतलब प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम आपको रजिस्टर करना रहता है जिससे आपको वारंटी मिलेगा। तो यहाँ पे सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो चुका है जो अकाउंट। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो अभी मैं मोबाइल नंबर डाल के इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूँ। अब नंबर डाल के हम आगे बढ़ चुके हैं यहाँ से। अब इसमें तीनों में आपको क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट में क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपका डिवाइस ऑनलाइन में रजिस्टर हो जाएगा इसके वेबसाइट में, और आपको जो वारंटी मिलता है उसका वारंटी डेट काउंट स्टार्ट हो जाएगा आज से। आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब ये कुछ टाइम लेगा, उसके बाद आपका हेलो स्क्रीन आनी, आप बोल सकते हैं कि डेस्कटॉप स्क्रीन आ जाएगा। वीडियो को मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए। देख सकते हैं पीसी कम्प्लीटली स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको मायासूस में आना है, देख लेना कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब वारंटी काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको एग्री में क्लिक करना है और नेक्स्ट में क्लिक करना है। फिर से आपको स्टार्ट मारना है। अब यहाँ आपको होम में आ जाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं लैपटॉप का आपका सीरियल नंबर दिख रहा है, और यहाँ से आप अपना वारंटी चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका सारा डिवाइस का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे ये जो मोड दिया है बेसिकली बैटरी को सेफ मोड के लिए है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम लोग लैपटॉप का चार्ज लगा के और लैपटॉप को यूज करते रहते हैं, तो उससे बैटरी ओवर चार्ज होते होते बैटरी का लाइफ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि बैटरी कहाँ तक चार्ज होगा। अगर अगर आप ये इस ऑप्शन में जाते हैं तो आपका बैटरी, आपको मैं सामने करके दिखा देता हूँ, अगर इस ऑप्शन में आप जाते हैं तो आपका बैटरी यहाँ पे देख सकते हैं 60% तक चार्ज होगा। इसमें आप जाते हैं तो 80% तक चार्ज होगा, और इसमें आप जाते हैं तो पूरा 100% तक चार्ज होगा। अगर आप अपना डिवाइस को हमेशा पावर से कनेक्ट करके रखते हैं तो आप इस मोड में या इस मोड में रख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ये बैलेंस मोड रहता है। तो मैं यहाँ पर बैलेंस मोड कर देता हूँ। इससे आपका बैटरी बहुत लंबे टाइम तक ठीक रहेगा और इसमें जल्दी डिस्चार्जिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा और बैटरी ख़राब नहीं आएगा। चलिए अभी आपको इसका स्पेसिफिकेशन दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको मिलता है। तो यहाँ से आपको पर्सनलाइज में जाना है। पर्सनलाइज जाने के बाद यहाँ पे आपको जो थीम बढ़िया लगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको थीम में जाना है। ये जो थीम का ऑप्शन दिख रहा है आप देख सकते हैं, थीम में आने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में डेस्कटॉप आइकॉन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको जो जो माय कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क, कंट्रोल पैनल, जो जो आपको चाहिए इसमें टिक करके यहाँ पे अप्लाई में क्लिक कर देना है और ओके दबा देना है। इससे होगा ये कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं सारा आइकॉन आ चुका है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इस लैपटॉप में आपको क्या क्या मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये ASUS का लैपटॉप है। आपको इसमें i3 का 10th generation का प्रोसेसर मिल जा रहा है, 8 GB का रैम है, और विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ आपको मिल रहा है जो फुल्ली एक्टिवेटेड है। इसमें आपको अलग से परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई लैपटॉप को फर्स्ट टाइम सेटअप करें तो सेटअप करने के बाद आपको अपडेट में आ जाना चाहिए, और अपडेट में जितने भी अपडेट्स दिखे आपको सारे अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ अपडेट्स ही नहीं होते, इसमें ड्राइवर्स भी होते हैं। अभी जैसे इसी लैपटॉप को हम लोग कर रहे हैं तो इसका ड्राइवर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एडवांस वाला ऑप्शन में जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे
ऑप्शनल अपडेट में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फर्मवेयर अपडेट आया ये लैपटॉप का, तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको इंस्टॉल डाउनलोड एंड इंस्टॉल दबा सकते हैं।